केरल के वायनाड के हुई लैंडस्लाइडिंग 3 दिन बीत चुके ने। चौथा दिन है जिथे मलबे के लाशा नू कढ़िया जा रहा है। इस हादसे के 308 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रेस्क्यू के टीमां लगिया हुई ने, कई लोग लापता ने जिन्हों की तलाश की जा रही है। दसा जा रहा है कि 200 लोगों की हुण तक मृतक देहां बरामद कर लिया गई ने। लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने बॉडी पार्ट्स तो की जा रही है। इंडियन आर्मी नेवी ते एयरफोर्स दीयां टीमां दे नाल नाल स्थानक पुलिस कर्मियां दीयां भी 40 टीमां बनाई गई ने जो लोगों के रेस्क्यू दे विच लगिया हुई ने। तस्वीरां सामने आई ने केरल दीयां जिथे देखा जा सकता है ड्रोन की मदद दे नाल पूरा इलाका जो केरल दा है वह मलबे दे विच तब्दील हो चुका है। जिस थान ते लोग रहिंदे सन वह लोग हुण इत्थे नहीं रह रहे क्योंकि घर टुट चुके ने, सड़कां बंद हो चुकियां ने। लोग अपने करीबियां नूं लभ रहे ने क्योंकि उन्हां दे कोई सू पता नहीं लग रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन दे लई सर्च खेतर नूं वख-वख 6 हिस्सिआं दे विच वंडिया गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तां चलाया जा रहा है, हैलीकॉप्टर दे जरिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा ताकि जो कोई लोग किसी खेतर दे विच फसे हुए ने उन्होंने हैलीकॉप्टर दे राही देखा जा सके, उन्हां तक मदद पहुँचाई जा सके। वन विभाग के कर्मचारी भी लगातार इस अभियान दे विच जुड़े हुए ने। दसदे कि वायनाड का हाल देख के राहुल गांधी भी भावुक हो गए। जो बीते दिन वायनाड पहुँचे सन तो उन्होंने कहा कि यह दर्द अजिहा ही लग रहा जिवें मैं उस वेले अपने पिता नूं गवाया सी, अजिहा दर्द महसूस हो रहा है, अपनिआं नूं गवाउण दा दर्द मैं समझ सकदा। तो राहुल गांधी भावुक हुंदे हुए भी वायनाड की स्थिति नूं देख के नज़र आए सन। आई फील हाउ आई फेल्ट व्हेन माय फादर डाइड That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family. Entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt. And this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it. It's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all... Oh, these people, respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad. ADGP लॉ एंड ऑर्डर केरला दे वल्लों भी दस्सिया गया कि किस तरीके दे नाल 4 दिनां तों उन्हां दे वल्लों राहत कार्ज चलाया जा रहा। लगातार लोग जो लापता ने उन्हां दी भाल की जा रही है, लगातार मृतक देहां बरामद हो रही ने। You are aware that in the last 4 days we have been doing operations here. The first day itself we are able to rescue all the live person from these areas. We have divided the entire areas into various zones. A joint team of the Indian Army, the NDRF, the local police special operations groups, fire force, the K-9 squads, Coast Guard and Navy have been operating in all these areas. Last 2 days we were able to recover large number of bodies. Still some of the areas has to be excavated more. Today probably we are, since we are more machinery, we will be able to dug and see that whether more and more areas has been explored and we are trying to get more bodies. गौरतलब है कि वायनाड दे विच पहली लैंडस्लाइडिंग 30 जुलाई की सवेरे तड़के 2 बजे हुई सी, जिस तो बाद 4 बजे मुड़ एक होर लैंडस्लाइडिंग हुंदी है। इस तो बाद 3 लैंडस्लाइडिंग फिर हुंदी है ते वायनाड दे 4 पिंड मलबे दे ढेर दे विच तब्दील हो जांदे ने। लोगों नूं पता नहीं हुंदा कि अचानक की हुंदा है, लैंडस्लाइडिंग हुंदी है ते अचानक केरला दे वड्डे खेतर मलबे दे विच तब्दील हो जांदे ने।